ท่านพรรคชาติก็ इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 का में उल्लेखित है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के उल्लेखित इन कर्तव्यों का पालन करना हम सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। तो वो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से उन कर्तव्यों के बारे में बताते जाऊंगा, उसके पश्चात आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा। तो जो मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो किस तरह से हम राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करते हैं, ये भलीभांति परिचित है। जब कभी राष्ट्रगान गाया जाता है हम सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, है ना। हम नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्रगान का सम्मान करें और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। जब कभी भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो उस समय भी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। इसके आगे कुछ आदर्श हैं जिनका पालन करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य होता है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजो के रखना और उनका पालन करना। तीसरा जो मूल कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। हरदम ये प्रयास करना कि हम सब मिलजुल करके रहें, विघटनकारी तत्व, विध्वंसकारी तत्व, विघ्न संतोषी तत्व, हमेशा यह प्रयास करते हैं कि हम अपनी एकता को खो दें। तो कैसे खोएंगे, आपस में जब लड़ेंगे झगड़ेंगे, है ना। तो उस उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है हमारे बीच में विभेद डालने की, फूट डालने की, हम उस पर ध्यान ना दें बल्कि हर संभव कोशिश करें कि हम अपनी एकता को बनाए रखें, देश की रक्षा करें। और देश की रक्षा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। देश की सेवा करते करते यदि हम बलिदानी हो जाएं तो उस पर भी पीछे कदम ना रखें, है ना, अपना कदम पीछे ना हटाएं। यदि जान भी देनी पड़े देश के लिए तो अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं, ये भी हमारा कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, इसका निर्माण करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। भारत की जो संस्कृति है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझना, उस संस्कृति को बनाए रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन करना और सुधार की भावना, इसका विकास करना,
ये भी हमारा मूल कर्तव्य में समाहित है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति अर्थात जो सरकारी संपत्ति है, जैसे ये विद्यालय है, विद्यालय का भवन है, इस विद्यालय के जो अधोसंरचना, जो टेबल कुर्सी है, पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, ये सब हमारे उपयोग के लिए है, है ना। तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है, क्योंकि यदि हम इन परिसंपत्तियों की रक्षा करेंगे तब जाकर के हम इसका उपयोग कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मूल कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले जितने बच्चे हैं उन सबको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, अर्थात जो माता पिता या संरक्षक हैं वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल भी उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताया। तो कुछ प्रश्न आपसे करूंगा तो आप जवाब दीजिए। आप बता, किसी एक मूल कर्तव्य के बारे में बताओ। हाँ, बैठ जा। हाँ बोलो, आप बोलो। किसी एक मूल कर्तव्य के बारे में बताइए। मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मूल कर्तव्य के बारे में। संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना। और इधर लड़कों में से बताओ, बोलो। भारत की एकता और अखंडता को बनाए। बिल्कुल ठीक, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो इस तरह से कई मूल कर्तव्यों के बारे में आज हम जान चुके हैं। ठीक।